बोर्ड एग्जाम्स याद है सबको अपने अपने? बोर्ड एग्जाम्स का एक अनरिटन रूल था, राइट? जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतना लंबा आंसर लिखना है. लाइक इफ द क्वेश्चन इज व्हाई डिड राम किल रावण एंड इफ इट्स फॉर 2 मार्क्स देन राम किल रावण बिकॉज रावण किडनैप सीता. बट इफ इट्स फॉर 5 मार्क्स देन वंस अपॉन अ टाइम देयर इज अ किंग नेम राम. इफ इट्स फॉर 10 मार्क्स देन वंस अपॉन अ टाइम देयर इज अ किंग नेम दशरथ. If it's for 15 marks, then India is a secular country. We follow many religions. फिर एक क्वेश्चन आता था ट्रू और फॉल्स, याद है? जिसके लिए आप कुछ पढ़ की नहीं गए तो भी एक इंटेलिजेंट गैस लगाते थे. अरुण ब्रोक अप विद पद्मा, ट्रू और फॉल्स? अरुण नाम से तो हरामी लग रहा है. ट्रू. फिर ज्योग्राफी में मैप पकड़ा देते थे, उसमें कुछ भी चीजें मार्क करवा रहे. मार्क 2 places इन इंडिया वेयर गोल्ड इज फाउंड. अबे पता तो वहीं चले जाता मैं, यहां कलम नहीं घिस रहा होता. तो मैंने मार्क्स ने लिख दिया मन्नापुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस. उसके बाद में ऐसे राइटिंग, वहां पे कुछ भी ऐसे लिखवा रहे. इफ आई वेर द प्राइम मिनिस्टर, ये ऐसे है कि अडवाणी जी की आत्मकथा. उसके बाद में सबसे गंदा क्वेश्चन, सबसे वाहियात क्वेश्चन, लेटर राइटिंग. उसमें कुछ भी लेटर लिखवा रहे तुमसे. राइट एन इनफॉर्मल लेटर टू ए सिस्टर टेलिंग हर द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड़ी पाड़वा. अबे नहीं पता यार मेरे को इंपॉर्टेंस ऑफ गुड़ी पाड़वा, और पता भी है तो लेटर क्यों लिखूंगा मैं? सिस्टर मेरे घर पे रहती है. वो पोस्टमैन कंफ्यूज हो जाएगा, टूर फ्रॉम सेम एड्रेस से चल क्या रहा है इनका. सेम घर से झोला लेके निकल रहा, सेम घर वापस आ रहा हूं, यही काम बचा है क्या मेरे को? बट फिर मैं देखा लेटर 15 मार्क्स के लिए था. और मार्क्स के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं. तो मैंने लिखना शुरू कर दिया गुड़ी पाड़वा पे. डियर सिस्टर, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, वी फॉलो मेनी रिलीजन. और आपने देखा है गलती से भी अगर बोर्ड एग्जाम का टॉपर, गलती से भी अगर बोर्ड एग्जाम का टॉपर गरीब घर से आ जाए, मीडिया वालों को अलग ही ऑर्गेजम आता है. अरे गरीब घर से, चलो चलो उसके घर पे माइक लेके चलते, चलो 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 माइक लेके उसके घर पे चले जाते. आइए मिलते हैं रवि से. रवि जिसके डैड एक रिक्शा चालक है, उसके डैड को वहाँ रिक्शा चलाते हुए दिखा रहे, रिक्शा चलाते हुए. हम लोग आज के दिन तो एंजॉय करने थे उसको, धूप में खाली रिक्शा घुमा रहे उससे. वो भी सोच रहे मेरा ही बेटा टॉप किया ना. फिर रवि के घर में घुसते हैं, रवि के घर में घुसते, रवि कुछ तो पढ़ रहा होता है, पढ़ रहा होता है, पढ़ रहा होता है. हम लोग हो गए ना एग्जाम, अब क्या पढ़ रहे, किसको बेवकूफ बना रहे हो? और ठीक है अगर गरीब घर का बच्चा बोर्ड एग्जाम टॉप करता है तो वो अचीवमेंट है, बट वो इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है. अगर कोई अमीर घर का बच्चा है जिसके पास बाइक है घुमाने को, इंटरनेट है, नेटफ्लिक्स का अकाउंट है, उस डिस्ट्रैक्शन के बाद अगर वो टॉप कर रहा है तो वो अचीवमेंट है यार. मतलब जंगल में तो कोई भी तपस्या कर लेगा, जो बार डांसर के सामने तपस्या कर रहा है वो असली साधु है यार.